surprise, welcome to Cooking with Alicia. How are you, parents? उम्मीद करती हूँ कैसे फिर अच्छे हो गए। फ्रेंड में आशा जी रोई एक हो रही हूँ एक और रेसिपी के साथ। आशा बना रहे हैं मजेदार आलू बुखारा का शरबत। वो भी दो तरीकों से। दादा ही रिहाई आसान तरीके हैं जो आप लोगों को बेहद पसंद आए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूल्हे पर पानी उबलने के लिए रखते हैं। इसके तकरीबन हाफ के जी आलू बुखारा डालकर उबलने देंगे और दूसरा तरीका स्टार्ट करते। इस तरीके से वी जूस बहुत ही जबरदस्त बनती। ग्राइंडर में तकरीबन हाफ के जी बराबर आलू बुखारा डालेंगे। एक गिलास पानी शामिल करेंगे। चीनी 1/3 कप डालेंगे। अगर बुखारा ज़्यादा करते हो तो ज़्यादा शुगर डालें। पिंक नमक 1/4 टीस्पून डालें और ग्रेटर चलाएं। हमने आलू बुखारा से रोटियाँ नहीं निकाली। 5 किलोग्राम से ही रोटियाँ ग्रेट कर दें। अच्छी तरह ग्रेट हो गया है। अब किसी मोटी छलनी से शरबत को छान लेंगे। अब इसमें कलर लाने के लिए थोड़ा सा रेड फूड कलर करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आलू बुखारे का मज़ेदार शरबत ब्लेंडर में तैयार हो गया है। अब इसको जग में डिश आउट करेंगे। और चलती है दूसरी शरबत की तरफ। आलू बुखारे उबलने लगे हैं। इसमें भी 1/3 कप चीनी ऐड करेंगे और चक्की पर रेड फूड कलर इसमें भी ऐड करेंगे ताकि कलर अच्छा है। इसको मिक्सर की मदद से मिक्स कर ले ताकि आलू बुखारे बिल्कुल गिर कर पानी के साथ पानी हो जाए। आलू बुखारे गिर गए हैं। चूल्हे को बंद कर रहे हैं। इसको भी मोटी छीले की मदद से छान लेंगे और छानने के बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त होता है। दोनों तरीकों जूस का अलग अलग फ्लेवर आता है और दोनों फ्लेवर ज़बरदस्त होते हैं। इसको भी डिश आउट कर रहे हैं। चलो आप टेस्ट करते हैं। यम्मी यम्मी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।